नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर आपके लिए ये खास पेशकश देवांशी लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी कथा साहित्य में महिलाओं के योगदान के बारे में, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी हमारे खास मेहमान को, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम चौहान जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला देवठी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ तक बात है लिटरेचर की, सॉन्ग की, डांस की, म्यूज़िक की, तो उन सब में इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। खैर, हम जो हैं आपसे और भी ज़्यादा इनका तारुफ़ इनका करवाना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं मिलवाती हूँ। नमस्कार, आपका नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। हम आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हिंदी लिटरेचर में किस तरीके से फीमेल राइटर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि पहला सवाल ही शायद हमारे यहाँ आता है कि हिंदी कथा साहित्य है तो है क्या? जी मैम, देखिए मैम, हम जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो भी अभिव्यक्त होता है उसे साहित्य के माध्यम से बताया जाता है, और जो साहित्यकार होता है समाज में जो घटनाएं घटित होती है उसको अभिव्यक्त करता है। जब हम बात कथा साहित्य की करते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब हम बचपन से लेकर कोई ना कोई कथा कहानी सुनते आते हैं, क्योंकि कथा आप बीती और जग बीती होती है। और साहित्यकार अपने अनुभव को, अब कुछ अपने अनुभव को और जो समाज में कुछ घटित होता है वो कहीं ना कहीं पात्रों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उसे अभिव्यक्त करता है। जो कथा साहित्य है, कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य में बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कथा साहित्य भी ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा उसको पढ़ के आनंद भी होता है और उसमें कहीं ना कहीं हमें एक उद्देश्य भी मिलता है। और हिंदी कथा साहित्य का बड़ा योगदान हमारा रहा है। जैसे हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं, प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है वो केवल एक गोदान नहीं है, उसमें केवल गाय का दान नहीं है। उस समय समाज की क्या परिस्थितियाँ थी, उस समय समाज की क्या विसंगतियाँ थी, उसको हमें उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि समाज में उस समय जो उसका जो पात्र होरी है वो केवल होरी कृषक समाज, भारतीय समाज का प्रतीक था। तो एक कथा साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद ने उसे कहीं ना कहीं उसे अभिव्यक्त किया है कि उस समय समाज की व्यवस्था क्या थी। कहीं ना कहीं ये जो कथा साहित्य है वो हम ही लोगों से जुड़ा हुआ है, और जो एक किसी शख्स के लिए वो कथा है वो शायद जिस लेखक ने उसे लिखा है उसके लिए आप बीती भी हो सकता है, वो उसका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ ना सिर्फ आप बीती बल्कि जो उसने कुछ भी घटित होते हुए देखा है समाज में उसे उसने शब्दों का अमलीजामा पहना दिया है और उसे कथा रूप दे दिया है। अच्छा पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कहानी आती है और क्या चीज़ें हैं जो कि कथा साहित्य में आती है? कथा साहित्य का संबंध कहानी उपन्यास से होता है। इसमें कहानी उपन्यास के तत्व जो हम कहते हैं समाज के उद्देश्य, इस कथा साहित्य में एक जो भी कथाकार होता है किसी न किसी उद्देश्य से ज़रूर लिखता है। जब भी कोई साहित्यकार कुछ भी लिखता है तो समाज को कुछ देने के उद्देश्य से लिखता है कि मेरा जो साहित्य है वो समाज में क्या परिवर्तन लाएगा, समाज में किस तरह से वो बदलाव की दृष्टि से किस तरह से होगा। तो कथा साहित्य में जो समाज में जो घटित हो रहा है, समाज की किस तरह से चलन हो रहा है, क्या उसमें उसका अभिव्यक्ति हमें कथा साहित्य में देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो हमेशा से ही जब भी किसी राइटर ने लिखा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी राइटर है, तो महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उनके राइटअप्स में, स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में हमेशा एक मुख्य किरदार, या मैं कहूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो हमेशा ही रहे हैं। लेकिन जब महिलाएं कुछ लिखती हैं तो महिलाओं का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या मैं कहूँ कि मेन पॉइंट, मेन आइडिया क्या होता है? आप तो इसी पर आपने शोध कार्य भी किया है, साहित्य पे, कथा साहित्य पे किया है, तो जाहिर है बहुत सारे कथा साहित्यकारों को भी आपने पढ़ा है, उन पर शोध भी किया है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई एक महिला लिखती है जी, तो उसका मेन पॉइंट क्या रहता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मेल पुरुष साहित्यकार ने जब कभी लिखा है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि पुरुष ने अभिव्यक्ति नारी की नहीं की है, परंतु जब से महिला लेखिकाओं ने लिखना शुरू किया है उन्होंने बड़ी बेबाकी से
जो हमारे समाज में पितृसत्ता समाज था उसे कहीं ना कहीं उस पर आघात पहुँचाया है। नारी ने अपने मन की अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं ना कहीं कही है, वो क्या महसूस कर रही है, उनके मन में किस तरह का अंतर्द्वंद है और किस तरह से समाज के हाशिए पे कहीं ना कहीं वो पीछे थी, उसको कहीं ना कहीं बड़े उससे उकेरा है उनकी भावनाओं को। क्योंकि महिला जो एक महिला होती है वो महसूस कर सकती है, वो एक महिला के अनेक रूप होते हैं, माँ का रूप होता है, पत्नी का रूप होता है, बेटी का रूप होता है। और जो माँ को इस समाज में कहीं ना कहीं भगवान ने बड़ा वरदान के रूप में हमें भेजा हुआ होता है, तो बड़ा योगदान महिला कथाकार ने जिस तरह से हिंदी साहित्य में की हम बात करें तो एक अलग लेखनी बड़ी अलग उसमें लाया है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत प्रसिद्धि कम समय में महिला लेखिकाओं ने प्रसिद्धि पाई है, क्योंकि महिला का लिखना और वो भी इस समाज में, यदि हम बात करें प्राचीन समय में, प्राचीन समय में वैदिक युग में नारी को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, उसके बाद मध्यकाल में उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आई, आधुनिक काल में जब आते गए महिलाओं को उतना शिक्षित नहीं होना दिया जाता था, परंतु धीरे धीरे महिलाएं शिक्षित हुई और महिला कथाकारों ने किस तरह से उसको अभिव्यक्त किया वो हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है। और किस तरह से जो महिला की एक समस्या है, चाहे वो अनमेल विवाह की समस्या है, चाहे विधवा समस्या है, और किस तरह से उन्होंने उसको बड़ी बेबाकी से अभिव्यक्त किया है। अगर मैं प्रसिद्ध कथा साहित्यकारों की बात करती हूँ, लेखिकाओं की खास तौर पर मैं बात करूँगी, देवांशी प्रोग्राम ये है और फीमेल ओरिएंटेड ये प्रोग्राम रहता है, तो इसमें हम आज जैसे महिला लेखिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनमें कौन सी वो लेखिकाएं हैं जिनका नाम आप यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है? मुझे काफ़ी लेखिकाओं ने प्रभावित किया है, मेहरुनिसा परवेज़, कृष्णा सूक्ति, मनीषा कुलश्रेष्ठ, चित्रा मुद्गल, मनु भंडारी, ममता कालिया, इन काफ़ी इत्यादि कई लेखिकाओं ने मुझे काफ़ी प्रसिद्ध किया। जितनी बार आप पढ़ते गए उतनी बार जो है आपको लगा कि नहीं थोड़ा और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्या था इनकी लेखनी में जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया? जी, यदि मैं बात करूँ कृष्णा सोपती की, उनका जो सूरजमुखी के अंधेरे एक उपन्यास है उसमें रति एक पात्र है। अच्छा, वो बचपन में ही बलात्कार का शिकार होती है, उसको किस तरह से उसके बचपन में जो उसके साथ वो घटित होता है वो किस तरह से उसको अभिव्यक्त किया है बड़ी मार्मिकता से, और उसको कहीं ना कहीं एक प्रेमी के रूप में एक साथी मिलता है और आगे अपना जीवन आरंभ करती है। और जिस तरह से मेहरुनिसा परवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेहरुनिसा परवेज़ का जो हमारे उपन्यास, उनका जो उसका घर उपन्यास है उसमें बड़ी एक बताया है, बड़ी मार्मिकता से बताया है कि एक जो इस एल्मा है उसका कोई भी घर नहीं होता है, उसका जो एक भाई है अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करता है, तो उसमें जो उसकी जो भिन्नताएँ थी, उसे जो जिस तरह से समस्या का सामना करना पड़ा वो हमें देखने को मिलता है। जब इन लेखिकाओं को जब हम पढ़ते हैं, इनके पढ़ने से, इनका अध्ययन करने से हमें समाज में एक घटित हो रही महिलाओं के ऊपर किस तरह से वो शोषित होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल शोषण ही हमारे समाज में हो रहा है, आज की आधुनिक नारी किस तरह से आत्मनिर्भर हो रही है वो हमें हमें इन लेखिकाओं के उसमें देखने को मिलता है। अब स्वतंत्र होकर नारी आपस लड़ने की क्षमता रखती है, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है, और वो किस तरह से अब घर की चार दीवारी से महिला निकल कर काम काज में करती है। आज जिस तरह से हम पहले हम समाज में मानते थे कि एक पुरुष ही सहयोगी होता है, पुरुष के द्वारा ही घर का उसके माध्यम से ही घर का सारा मुखिया जो है वो पुरुष ही है और हर एक चीज पर जो है पुरुषों पर ही निर्भर रह जाता था, तो आज जो है महिलाएं भी अपनी पूरी जो है जिम्मेवारी निभा रही हैं, चाहे जितनी मर्जी कठिन परिस्थितियां हो घर भी बखूबी निभा रही हैं और बाहर भी अपने जो शौक है या फिर मैं कहूँ जो अपनी जिंदगी जो है वो जी रही है और अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है। तो अगर मैं यहाँ बात आपसे जानना चाहूँ कि देखिए हम साहित्य की बात हम कर रहे हैं तो कथा और उपन्यास दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है, काइंडली बताएं। देखिए, ये कथा का ही भाग है उपन्यास, कथा के माध्यम से उपन्यास कहानी को बताया जाता है,
उपन्यास में एक पात्रों के साथ एक मुख्य पात्र और गौण पात्र होते हैं, मुख्य पात्रों के साथ साथ इसमें गौण पात्र चलते आते जाते हैं और इसमें अभिव्यक्ति होती है और कथा का ही अभिन्न अंग उपन्यास है। इसमें क्योंकि कथा ही इसका भाग है, इसमें कोई अंतर कथा नहीं। आप कथा ये कह सकते हैं इन शॉर्ट एक शॉर्ट स्टोरी हो गई है और उपन्यास जो है उसका डिटेल वर्जन कहानी में हम बिल्कुल एक कहानी जो होती है वो कम एक कुछ क्षणिक होती है, कुछ कम समय के में होती है और उपन्यास जो है काफ़ी उसमें वातावरण कहानी पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें अभिव्यक्त जो है ज़्यादा होती है और कहानी जो है कम उसमें जो है अभिव्यक्त की जाती है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कई कहानियां हमारे पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। अच्छा, जैसे आपने तो बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारे लेखकों को आपने पढ़ा है, तो क्या कोई ऐसी कहानी है जिसने आपके दिल तक पहुंच बनाई है या आपके दिल तक वो पहुंची है, आपको लगता है कि इस कहानी ने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी है, वाकई ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी कहानी ऐसी काफ़ी कहानियां हैं, परंतु यदि मैं देखूं तो मुझे मेरुनिसा परवेज़ की फाल्गुनी कहानी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें फाल्गुनी अच्छी इसलिए लगी कि उसमें अभिव्यक्ति की गई है उसके जीवन के लेकर, वो किस तरह से उसमें अपना जीवन में संघर्ष करती है और आगे बढ़ती है, इसमें उसको अभिव्यक्त किया गया है। तो आपकी फेवरेट जो स्टोरी रही है वो मेरा है? जो उपन्यास उपन्यास जो है मेरा जो एक चित्रा मुद्गल का कमरा नंबर 200 पोस्ट बॉक्स 200 नंबर 203 नाला सोपारा, क्योंकि इसमें लेखिका ने बिल्कुल अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है। इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल बताएंगे कि किस से रिलेटेड है? जी, इसमें महिला देखिए आज तक जब हम बात करते हैं महिला लेखिकाओं ने अधिकतर महिला के बारे में अभिव्यक्त किया वर्णन किया है, परंतु जो चित्रा मुद्गल ने जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा में इसमें लेखिका ने एक किन्नर की अभिव्यक्ति वर्णन की है। और किन्नर इसमें जो पात्र है बिन्नी वो किन्नर होता है और किन्नर को किन संघर्ष से जुड़ना पड़ता है, किस संघर्ष से किन्नर समाज उसे ले जाता है और जो बिन्नी की जो माँ होती है उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, परंतु उसकी माँ उससे संबंध नहीं तोड़ती, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कभी संबंध नहीं तोड़ सकती। उसे किन्नर समाज ले जाता है, वो उसे उसको बताया कि उस समाज में उसके पिता यहाँ तक कह देते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु माँ कुटी रहती है, वो अपने वो कहीं ना कहीं परिवार और समाज के डर में चुप रहती है और वो चुपचाप से बिन्नी को पत्र लिखती है। बिन्नी भी उसको अपने बारे में क्या उसका जीवन किस तरह से है उसकी अभिव्यक्ति इसमें हमें देखने को मिलती है। तो एक बड़ा मार्मिक सा है और कहीं ना कहीं लेखिका ने एक नारी होके उस समाज की अभिव्यक्ति की है जहाँ जो समाज कहीं ना कहीं अभी हम उस समाज को कहीं ना कहीं उस अछूते रूप में देखा जाता है और कहीं ना कहीं वो हाशिए पे उस समाज हमारे पे है, परंतु उसकी बड़ी अभिव्यक्ति उसमें हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान उसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो समाज संघर्ष के लिए लड़ रहा है और उसे बिन्नी उसका मुख्य पात्र हमें देखने को मिलता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर पूनम कि आपको कब लगा कि मुझे साहित्य पढ़ना चाहिए? मुझे मैम जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मुझे हिंदी लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी, तो मैंने सोचा कि मुझे ये विषय करना चाहिए, तो फिर मैंने इसमें एमफिल पीएचडी हुआ, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी साहित्य को क्योंकि साहित्य बिल्कुल अलग माध्यम होता है, साहित्य के द्वारा हम काफ़ी कुछ हमारे समाज में बिल्कुल परिवर्तन ला सकता है। मुझे लगता है साहित्य काफ़ी गहन विधा है जिसे समझना जिसे जानना अपने आप में गूढ़ रहस्य है। इसे आसानी से अगर हम कहें कि हाँ ज़रा सरसरी तौर पर इसे समझा जाए देखा जाए पढ़ा जाए तो ऐसा नहीं है। हम किसी के भावों को पढ़ना सीखते हैं जानना सीखते हैं महसूस करते हैं, है ना? तो आपसे मैं डॉक्टर पूनम जानना चाहूँगी जो कथा साहित्य है वो बाकी साहित्यिक विधाओं से किस तरीके से भिन्न है, या फिर मैं ये कहूँ कि किस तरीके से ये रोचक है? देखिए साहित्य की तो वैसे सभी विधाएँ अच्छी है, चाहे वो काव्य साहित्य है चाहे कथा साहित्य है, ये किस तरह से भिन्न है। जब हम कोई कविता हम पढ़ते हैं, कविता को जब आम व्यक्ति साधारण व्यक्ति पढ़ना चाहे तो वो उसकी
लक्षणा और व्यंजना को नहीं समझ सकता, उसमें क्या व्यंजना हुई है उसे शब्द शक्ति को उसको नहीं समझ पाता है। उस परंतु जब साहित्य को, जब कथा साहित्य को पढ़ता है, कथा साहित्य में उसको पढ़ के अध्ययन करके मनोरंजन की दृष्टि से भी वो पढ़ता है, साहित्य को कहानी को समझता है, अध्ययन करता है, परंतु उसमें मनोरंजन के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य ज़रूर छिपा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि काव्य में नहीं छिपा होता है, काव्य में इस तरह से, काव्य में भी होता है, परंतु आम जनमानस जब उसको पढ़ने के लिए शब्दकोश की हमें अर्थ की ज़रूरत होती है, कथा साहित्य में वर्णात्मक रूप से जब उसमें किया जाता है, लेखक जिस तरह से वर्णात्मक रूप से उसमें अभिव्यक्ति होती है, उसको पढ़कर बिल्कुल अत्यधिक आनंद महसूस करता है और उसमें कहीं ना कहीं एक उद्देश्य जो है उसमें महसूस करता है और उसको वो एक अच्छा माध्यम है। अच्छा, अगर हम कथा साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई नया साहित्यकार है जी, कोई अपने टीनेज से लिखना की कोशिश कर रहा है या लिखना चाहता है, तो उसके लिए किन खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? जी देखिए, सबसे पहले तो खास बात यह है कि उन्हें पहले अच्छे अच्छे साहित्यकार को पढ़ना होगा, क्योंकि उनकी लेखनी को समझना होगा। जब उसको पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हर एक कथाकार साहित्यकार का लेखन की शैली अलग अलग होती है। फिर जब अध्ययन होता है तो हमारे उसमें बहुत विचार आते हैं और उसके द्वारा हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अब यदि कोई टीनेजर से लिखना चाहता है, क्योंकि जाहिर है बचपन और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मानसिक स्थिति में और हमारी बौद्धिक क्षमता में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उनको जिस तरह से वो जिस तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे सृजन के बाद, और जो हम जब भी कोई नया लेखक या लिखता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित उसका समाज करता है। उसका समाज, जो समाज का पारिवारिक स्थिति होती है और जो जिस समाज से वह संबंध रखता है, क्योंकि जो घटनाएं जो हम अपने समाज में देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करती हैं, और उसकी किस विषय में उसकी रुचि रही है, किस उसमें शैली में वो लिखना चाहता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से जो देखता है, बच्चा जो देखता है, जो समझता है, उसी तरह से उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कहें कि अगर किसी ने अच्छा लिखना है, स्टार्टिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। जी, उसका साहित्य का गहन अध्ययन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम साहित्य का गहन अध्ययन नहीं करते तब तक हम साहित्य को लिख नहीं सकते हैं। और उसके साथ धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही एक बड़े साहित्यकार बन जाएंगे, व्यक्ति धीरे धीरे प्रयास करके वो कहीं ना कहीं वो आगे की ओर बढ़ता है। जितना वो अध्ययन करेगा और जितना वो लिखेगा, बार बार प्रयास करेगा। और एक साहित्यकार के लिए कहीं ना कहीं आलोचक की भी बहुत आवश्यकता होती है। यदि किसी ने आलोचक के रूप उसको अन्यथा दृष्टि से ना ले, उसको अच्छे उसमें ले कि हाँ, हमें आलोचना को कहीं ना कहीं इसके द्वारा हमें सही आलोचक ने सही आलोचना की है, उसके माध्यम से अपनी त्रुटियों को कम करके वो एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है। डॉक्टर पूनम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने इतना शोध कार्य किया है, बड़े बड़े साहित्यकारों को आपने पढ़ा है, काफ़ी हद तक पढ़ा है, क्या कभी आपने आपको ये नहीं लगा कि मुझे अब कुछ लिखना चाहिए? जी मैम, मेरा अभी ही पिछले वर्ष ही PhD का काम हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं लिखना जो है कथा साहित्य पे लिखना शुरू करूँगी, और अब मैं उसका, मेरा काम उस पर चल रहा है और काफ़ी आने वाले समय में आप शायद देखेगी कि मैं कोशिश करूँगी कि समाज को कुछ नया दूँ, कुछ ना कुछ नया दिया जाए। अच्छा, जब भी हम किसी विधा की बात करते हैं, चाहे वो कहानी है, कविता है या फिर उपन्यास है, तो इनमें सबसे मुश्किल विधा कौन सी है? अगर मेरी दृष्टि से पूछा जाए, मुझे कविता, वैसे देखिए ये रुचि पे निर्भर करता है, विधा कोई मुश्किल नहीं होती है। जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उतना मुश्किल नहीं होगा। परंतु यदि आप मुझसे, मैं अपनी दृष्टि से पूछूं, तो मुझे थोड़ा कविता कठिन मुझे लगती है, मेरी दृष्टि से। परंतु कुछ जो हमारे दर्शक होंगे या साहित्यकार जो प्रेमी होंगे, शायद उन्हें कविता मुश्किल ना लगे, तो मुझे कविता थोड़ी कठिन। अच्छा, अभी हम कथा साहित्यकारों की हम बात कर रहे थे जो कि महिलाएँ ही हैं जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम नारी की स्थिति की बात करते हैं साहित्य में,
तो उस पर काइंडली थोड़ा हमें अपने व्यूज़ बताएं। देखिए, नारी की स्थिति को अभिव्यक्त हमें महिला लेखिकाओं ने ही नहीं, हमें पुरुष लेखकों ने भी अभिव्यक्त किया है जी। और यदि हम प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने नारी की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति उसमें की है। निर्मला उपन्यास है, उनके कई उपन्यास है जिसमें जो समाज के, क्योंकि जब हम इससे पहले भी जब हम प्रेमचंद पूर्व युगिन की जब हम बात करते हैं तो जब उपन्यास लिखे गए कहीं ना कहीं मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया, परंतु उसमें भी भाग्यवती जो हमारा हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, परंतु उसके प्रकाशन उसका लेट हुआ, देरी से हुआ, इसलिए उसको प्रेक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना जाए, तो भाग्यवती भी एक स्त्री पर लिखा गया उपन्यास है। और प्रेमचंद ने बड़े अभिव्यक्ति की है। यदि हम महिलाओं के कथाकारों की बात करें तो महिलाएं कथाकारों ने नारी की स्थिति पे अभिव्यक्त उन्होंने अत्यधिक मार्मिक दृष्टि से किया है। और जिस तरह से अभी हम मैंने अभी बताया आपको कि मेहरुनिसा परवेज है, मनीषा कुलश्रेष्ठ है, चित्रा मुदगल है, कृष्णा अग्निहोत्री है, मनु भंडारी है, अनेक लेखिकाओं ने नारी की स्थिति कि समाज में नारी की स्थिति किस तरह से है, कि समाज में नारी, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने नारी को आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित किया है। यदि हम प्रभा खैतान का छिन्नमस्ता उपन्यास देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर नारी की उसमें अभी बात हुई हुई है। तो इसमें उन्होंने कई जो सदियों से चली आ रही जो बेड़ियाँ थी कि नहीं महिलाएं केवल घर में ही चूल्हा चौका संभालेगी, वो कहीं ना कहीं उन बेड़ियों को तोड़ा है, उनका विरोध किया है, और उन्होंने नारी को एक उन्मुक्त रूप से, एक स्वतंत्र रूप से कि नहीं आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आएगी, और पुरुष क्या उसके साथ उससे, आज देखिए आज किस तरह से हमारे भारत की राष्ट्रपति भी महिला है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रूप से कहीं ना कहीं अभिव्यक्त जो हमें साहित्य में डाला है उसको बड़े रूप अत्यधिक मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बदली भी है समाज में। और मुझे ये लगता है कि जब राइटर्स ने लिखना शुरू किया कि एग्जैक्टली उनकी स्थिति क्या है समाज में, तब शायद कुछ ना कुछ बदलाव आए। मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं की स्थिति पर जो है पुरुषों ने नहीं लिखा, उन्होंने बेहतर तरीके से शायद उस चीज़ को समझा, और जो चीज़ें उन्हें पिछड़ रही थी या उन्हें पीछे कर रही थी, तो उन सब चीज़ों पे जो है कहीं ना कहीं पे एक बदलाव भी आया है। तो क्या साहित्य आपको लगता है कि एक सोच में भी एक बदलाव करता है? जी बिल्कुल, साहित्य व्यक्ति की सोच में अत्यधिक बदलाव करता है, क्योंकि जब हम साहित्य, एक जो कलम की जो लेखनी होती है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, और इसके माध्यम से व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है। देखिए आज तो हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत अत्यधिक ज़माना है, परंतु इससे पहले जब ये माध्यम नहीं था, जब हमारे देश स्वतंत्र नहीं था, तो ये साहित्य ही था जिसके द्वारा जो है लोगों में जागृति उत्पन्न हुई थी, देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी, हमें जो जिस तरह से उन्होंने अभिव्यक्त किया वो लोगों में, जनमानस में कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्ति जो है उसमें उसके माध्यम से ही हुआ है। जैसे साहित्य के द्वारा समाज में बिल्कुल परिवर्तन होता है, क्योंकि साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये एक दूसरे का अटूट बंधन है, ये कभी अलग नहीं होता है। साहित्य समाज से बिल्कुल अलग हटके नहीं हो सकता है। जैसा जैसा समाज में परिवर्तन आया है वैसे वैसे हमारे साहित्य में भी परिवर्तन आया है, और साहित्य के लेखन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है, नए विषय को लेकर अभिव्यक्ति इसमें हमें देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँगी भाषा की और शब्दों की, कि जब भी कोई हम इफेक्टिव राइटिंग करते हैं या कथा साहित्य की मैं बात करती हूँ, कोई भी विधा के बारे में लिखने की बात हम करते हैं, तो भाषा का चयन या शब्दों का चयन किस तरीके से हो कि पाठक के हृदय तक पहुँचा जाए? जी, भाषा का, शब्दों का चयन बिल्कुल मार्मिक ढंग से, अच्छे ढंग से हो, ऐसा भी ना, ऐसे हम शब्दों का चयन भी ना करें कि पाठक को शब्दकोश देखना पड़े, बिल्कुल सरल शब्दों में हो, और जितना जन भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है वो अत्यधिक समझ आता है,
उसको समझने में और उसको कहीं ना कहीं वो सहायता करता है। तो भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, मर्म होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति इसमें होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे कि किन खास विषयों पर महिला साहित्यकारों ने, किन खास विषयों पर, या मैं कहूँ किन खास सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने लिखा है? जी देखिए, महिला कथाकारों ने, लेखिकाओं ने समाज की जो विसंगतियाँ हैं उस पर लिखा है, चाहे वो अनमेल विवाह है, चाहे वो विधवा समस्या है, चाहे वो हमारे समाज में दहेज प्रथा है, अंतरजातीय विवाह समस्या है, हर एक समस्या, को लेकर कहीं ना कहीं लिखा है। चलिए डॉक्टर पूनम, आपने हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर पूनम चौहान, जिन्होंने आज देवांशी प्रोग्राम में आकर अपना कीमती वक्त दे करके हम सभी को कथा साहित्य से जुड़ी बातों के बारे में कुछ खास जानकारियाँ दी। खैर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज देवांशी प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।